नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मीहा कोली है। मैं एक पीडियाट्रिक डेंटिस्ट हूँ। मैं चिल्ड्रंस डेंटल सेंटर गुरुग्राम में प्रैक्टिस करती हूँ। तो सबसे पहले ब्रशिंग, कितनी बार बच्चों के दांतों को ब्रश करना है, कितनी बार बच्चे के दांतों को फ्लॉसिंग करना है, और तीसरी चीज कुछ भी खाने के बाद में हमें कुल्ला करना है। इन तीनों चीजों का अलग ही महत्व है। सो बच्चों के दांतों के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रशिंग का। अपने बच्चों के दांतों को दो बार ब्रश करिए एक सुबह। बहुत जरूरी है दो बार ब्रश करना, तीन बार भी हो वो बहुत अच्छा है। एक सुबह करना है आफ्टर ब्रेकफास्ट 3 मिनट्स के लिए, और एक रात में आफ्टर डिनर 3 मिनट्स के लिए। उसके बाद में कुछ बच्चे को खाने को नहीं देना। दूसरी चीज है फ्लॉसिंग। सो ब्रशिंग जो है वो दांतों के सरफेस को क्लीन करता है। जो दो दांत के बीच में अगर कुछ चीज फंस जाती है वहां पे टूथ ब्रशेस नहीं जाते हैं। सो उसके लिए हमें फ्लॉसिंग यूज करनी होती है। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैविटीज जो होती हैं बच्चों की वो दो दांतों के बीच में होती है। तीसरी चीज है कुछ भी खाने के बाद में कुल्ला करना। सो अगर बच्चा कुछ भी खा रहा है दिन में 2 से 3 बार, या आफ्टर मील्स, आफ्टर लंच या डिनर, अगर हम बच्चे को कुल्ला कराएं तो बच्चे ने जो खाया है वो इमीडिएटली कुल्ला से सारा दांतों के ऊपर से वो परत हट जाती है, तो कैविटीज कम होने के चांसेस होते हैं। और आप बने रहिए माइलो ऐप पे इस कंटेंट के लिए। और धन्यवाद।